मैं मोहम्मद नसीब एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप लोगों का एंशिएंट टाइम न्यूज़ में। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं आरटी नगर, जहाँ देखने को मिल रहा है कि लोग ब्रेकफास्ट लेकर और ऐसे तरह तरह के आज जो सामने आ रहे हैं। तो भास्कर राव जो कि कमिश्नर हैं बेंगलोर के, उनका साफ साफ आदेश है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और वाहन भी इनके जो सीज हैं सीज होने चाहिए। जितने भी व्हीकल ऐसे हैं जो उनका कोई ज़रूरी काम नहीं है या वैसे ही घूम रहे हैं या पास का बेफजूल फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उन लोगों पर कार्रवाई कैसे हो रही है, इससे हम थोड़ा पुलिस वालों से बात करके देखते हैं और आपको दिखाते हैं वीडियो कितने वाहन सीज हुए हैं आर टी नगर में। उसके बाद हम आपको के जी हल्ली का हाल भी दिखाएंगे क्या चल रहा है। चलिए बात करते हैं। देखिए नए नए आरक्यू देखने को मिल रहे हैं लोगों के, इस बारे में चलिए कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन वाले, मगर ये जो व्हीकल हैं ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक तरह से मतलब तरह तरह के आर्ग्यू निकल के आ रहे हैं सामने को। पास का तो बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया जा रहा है नए नए लड़कों में, जो कि बिना किसी काम के बिना किसी वजह के। लोगों को भी इस बात में समझना चाहिए कि पुलिस भी 24 घंटे काम कर रही है, साथ में बीबीएमपी भी दिन रात लगी हुई है लोगों की भलाई करने में और उनका हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, मगर जनता को भी चाहिए कि कोऑपरेट करें साथ में मिलके। तो बस जनता से यही अपील है हमारी कि पुलिस को कोऑपरेट करें और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी हेल्थ वाले काम कर रहे हैं उनको कोऑपरेट करें, तभी हम इस बीमारी से लड़ सकेंगे। लॉकडाउन के वक्त आरटी नगर पुलिस स्टेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, रात दिन पुलिस वाले मेहनत कर रहे हैं, मतलब लोग जितना पुलिस समझाए इतने भी लोग बाहर निकलकर, और उन लोगों को बहुत ही मुश्किल होती है ये सारे चीज़ें लेकर, लोगों को भी समझना चाहिए। आप देख सकते हैं जो भी कानून के मतलब धज्जा रूल्स के मुताबिक नहीं गए और अननेसरी पास का गलत फ़ायदा उठाए, वो सारे गाड़ियां जो है पुलिस सीज कर अभी यहाँ पर ग्राउंड में HMT ग्राउंड में रखी हुई है, और ये ग्राउंड भरने के बाद दूसरे भी ग्राउंड में रखा जाएगा। जो कोई भी मतलब पुलिस की बात और लोगों को मतलब गलत फ़ायदा उठा रहे पास का, पुलिस उनको सख्त कार्रवाई करेगी।